तो दोस्तों आपका स्वागत है वापस से फीफा 18 में। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बिल्कुल नई सीरीज, ये होने वाली है इंडियाज रोड टू ग्लोरी। होपफुली आपको इसमें मजा आएगा। फटाफट लाइक ठोकना ना भूलिए। अगर आपको सीरीज में और भी फटाफट एपिसोड चाहिए, जनरली हम लोग एक एपिसोड करते हैं पूरे हफ्ते में, लेकिन आपके धमाकेदार लाइक्स आएंगे, व्यूज आएंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक से ज्यादा बना पाए हम हफ्ते के अंदर। इसमें आपकी वोटिंग्स होंगी, हम लोग अपग्रेड करेंगे अपनी टीम। अगर आपको याद हो तो मैं जनवरी अराउंड हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इस बार थोड़ी सी देरी हो गई, काफ़ी देरी हो गई, क्योंकि एक तो मेरे को लगा कि फीफा 18 में आप लोग इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, लेकिन मैं इस सीरीज़ को ज़रूर करना चाहता हूँ। जो लोग फीफा 18 देखते हैं उनके लिए मैं ये ज़रूर करना चाहता हूँ, वो लोग भी मज़े ले सके, तो होपफुली मैं भी मज़े ले सकूँ। मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है फीफा, ज़्यादा सुपर प्लेयर नहीं हूँ मैं, बहुत ही एमेचर प्लेयर हूँ, लेकिन मज़ेदार है। तो फॉर्मेट काफ़ी सिमिलर है पिछले वाले रोड टू ग्लोरी सीजन से। हम लोग अपने प्लेयर्स को अपग्रेड करते रहेंगे, अपने टीम्स को अपग्रेड करते रहेंगे। जैसे शुरुआत होगी ब्रॉन्ज प्लेयर्स के साथ, वो रेयर ब्रॉन्ज में जाएंगे, फिर सिल्वर, फिर रेयर सिल्वर, गोल्ड, रेयर गोल्ड एंड फिर इन फॉर्म्स या स्पेशल कार्ड्स की तरफ जाएंगे हम लोग। लेकिन हम दो गेम्स खेलेंगे हर एपिसोड में, तो पहले गेम के बाद अगर उसमें हमें विन मिलती है तो हम दो अपग्रेड पैक्स खोलेंगे। अपग्रेड पैक्स का मतलब क्या है? अगर हमारे पास ब्रॉन्ज टीम है तो रेयर ब्रॉन्ज प्लेयर्स को ऐड करेंगे जब हम पैक खोलेंगे उसमें से जो निकलेंगे, एंड अगर हमें ड्रॉ मिलता है तो हम सिर्फ एक अपग्रेड पैक खोलेंगे। लेकिन अगर लॉस मिलता है तो मैं अपनी तरफ से एक बंदे को अपग्रेड कर सकता हूँ भाई, क्योंकि ज़रूरत है हमें अपग्रेड की, ज़रूरत है, लॉस मिला है हमें। फिर बढ़ते हैं हम लोग दूसरे गेम की तरफ। अगर दूसरे गेम में हमें विन या फिर ड्रॉ मिलता है तो हम दो अपग्रेड्स करेंगे, एंड ये अपग्रेड्स चूज होंगे आपकी वोट्स के हिसाब से। मैं वोटिंग में डाल दूंगा दोनों प्लेयर्स को, आप लोग वोट कर सकते हैं हमें किसको लाना चाहिए टीम में, किसको नहीं लाना चाहिए टीम में। अगर हमें सेकेंड गेम में लॉस मिलता है तो सिर्फ एक ही अपग्रेड करेंगे फ्यूचर वाले एपिसोड के लिए, तो आपको सिर्फ एक प्लेयर के लिए वोट करना है। तो ये होगी हमारी स्टार्टिंग इंडियाज रोड टू ग्लोरी की टीम, 63 रेटेड, 100% केमिस्ट्री। एंड सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे वो है हमारा थियरी हेनरी 90 रेटेड लेफ्ट विंग। ये हमें हंटर के एपिसोड्स खेलने के बाद ये बिल्कुल फ्री लोन पे मिलता है 7 गेम्स के लिए, तो होगा ही होगा हमारी टीम के अंदर, तो एक स्पेशल कार्ड तो हम रखते ही रखते हैं। ये FUT आइकन हमारे लिए कमाल कर सकता है। 90 पेस, 87 ड्रिबलिंग, 88 शूटिंग, 85 पासिंग, एंड मेरा फेवरेट प्लेयर है थियरी हेनरी। बट हम लोग रेस्ट में देख सकते हैं कि सबके सब ब्रॉन्ज प्लेयर्स हैं, वो भी नॉन रेयर ब्रॉन्ज प्लेयर्स हैं, सबके सब प्रीमियर लीग में खेलते हैं, तो कनेक्शन काफ़ी अच्छा बना है, 100% केमिस्ट्री है उसके वजह से। बेंच में ऐसे वैसे ब्रॉन्ज घुसा दिए। फॉर्मेशन हमारी 4-3-3 एंड हमारा मैनेजर गोल्ड प्रीमियर लीग का, तो काफ़ी सारा बूस्ट मिल रहा है हमारे प्लेयर्स को। तो ये तो होगी फटाफट एक्सप्लेनेशन ऑफ इंडियाज रोड टू ग्लोरी के रूल्स की। होपफुली आपको समझ आ गया है, धीरे धीरे समझ आ जाएगा जैसे हम खेलते जाएंगे, होपफुली आपको मैचेस में मजा आएगा। तो बढ़ते हैं उसी तरफ, ऑनलाइन सीजन्स की तरफ। भगवान लैग ना हो, चैंप है हम, चैंप लैग, देख रो लैग स्पेशलिस्ट है हम लोग, ऐसे लैग में खेल खेल के जीतेंगे हम। ब्रूस्टर दे दिया भाई बेम्बा को इसने, ओके मुझे ही पास किए, ब्रूस्टर अटक गया यहाँ पे, सीधा ऑनरी की तरफ बॉल, लेकिन पैर पे पहुँची भी नहीं, इसीलिए ऑनलाइन खेलना मुझे पसंद नहीं है। अटकते रहती है, फिर ऊपर से एक दो घंटे में एक अपोनेंट मिलता है भाई, क्या हो रहा है इसमें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है इस गेम में, इसीलिए ऑनलाइन नहीं खेलते यार। मैं नहीं खेल सकता यार ये ऑनलाइन सीजन्स, एक तो इतना लैगी गेम होते हैं, हर गेम बहुत लैगी होता है, एक अपोनेंट मिलने में 20-30 मिनट लग जाते हैं, पता नहीं कोई खेलता भी है या नहीं ये चीज़। लेकिन थोड़ा सा चेंज करने वाले हम लोग, स्क्वाड बैटल्स करते हैं, होपफुली उसके दौरान चाहे मैं हार भी जाऊँ आई डोंट केयर, हारू ठीक है, लेकिन गेम तो सही से चले। तो मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलिए क्या स्क्वाड बैटल्स चलेंगे या फिर मैं ऑनलाइन खेलूं। एक लॉस तो वैसे ही होगी, मैंने छोड़ दिया उस गेम को, मतलब पूरी एक्साइटमेंट की इसने चटनी बना दी सही से। तो चलते हम लोग अपने पहले मैच की तरफ। फीचर्ड स्क्वाड इस बार डिएगो मैराडोना की स्क्वाड है, एक बार हम स्क्वाड की तरफ नज़र डालेंगे। यहाँ पे डिएगो मैराडोना 97 रेटेड सेंटर अटैकिंग मिड, खुद को उसने बीच में रखा हुआ है, सामने की तरफ मेसी, पेस्टोरे टीम ऑफ द ईयर है, इनफॉर्म कार्ड्स हैं यहाँ पे, दाइबाला यहाँ पे बनेगा,
अबे सबके सब भाई एक से बढ़कर एक अर्जेंटीनियन प्रोफेशनल डिफिकल्टी में खेलेंगे, लेकिन ब्रॉन्ज प्लेयर्स के साथ तो मेरी वाट ही लगने वाली है जैसे मुझे लग रहा है। वाट लगा देगा ये मैच हमारी, इंडिया के झंडे लहरा रहे भाई पूरे स्टेडियम में, भारत ही भारत के झंडे। ये हुई ना बात, अर्जेंटीना वाले डर जाएंगे आज, क्या हम टिक भी पाएंगे इनके सामने? सारे ब्रॉन्ज प्लेयर्स है, बस हमारा कप्तान थियरी हेनरी कमाल कर जाए, बस उस लेजेंड से ही कुछ एक्सपेक्टेशन है। शुरुआती पोजीशन हमारे पास, वैलरी का क्रॉस सीधा हेनरी के सर की तरफ, लेकिन रूली के हाथ में। इनकी टीम को कमज़ोर मत समझना, प्रोफेशनल डिफिकल्टी में भी काफ़ी टफ होने वाले ये। पास्तोरे, व्हाट अ टैकल, एंड सीधा ब्रूस्टर के पास बॉल। क्या कर रहा हूँ मैं, हेनरी को दे दी हमने, हेनरी ने थोड़ा सा दूसरी तरफ ले गया, पास पे पास, बैक टू दिस बंदा जोन्स विलियम्स। हेनरी को स्पॉट किया, काफ़ी स्पेस हमारे पास, अंदर की तरफ कट लिया, हेनरी का शॉट एंड इन टू द टॉप कॉर्नर, पहला गोल अपने हेनरी ने मारा, ये बार सुपर कप्तान हमारा। होए होए होए, ये हुई ना बात, इसी के साथ 1-0 अप। मजा आ गया भाई, क्या ठोका इसने, ये लिया कट अंदर की तरफ, ये मारा फिनिश शॉट इनटू द टॉप कॉर्नर, रूली भी नहीं बचा पाया भाई, ये गई मैराडोना की टीम पीछे। सटाक, 8 मिनट में 1-0 अप, ब्रूस्टर ने बॉल छीनी, यहाँ पे एक को छक्काया उसने कोने की तरफ, हिट्स द पोस्ट, मैराडोना छीनते हुए ले गया पीछे से भाई, हैंड ऑफ गॉड उसके पास है, गोल ठोक देगा ये अपने हाथ से मार मार के। मेसी का थ्रू बॉल बहुत ही बेकार, और तेरी गए काम से, सीधा मेसी के पाँव पे, स्प्रिंट देखिए उसका, व्हाट अ सेव बाय वुडमैन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेव इस छोटे से लड़के का, कमाल कर दिया भाई, मेसी का शॉट रोका इसने, अय हाय घुटने से ठोक डाला। निको, मैराडोना एंड डिफ्लेक्शन, एक और कॉर्नर किक यहाँ पे, हाथ जोड़ लिया मैराडोना ने, गोल कर दो भाई किसी तरह, एंकल पे लग के बाहर जॉनसन के, कप्तान ने दे दिया सिग्नल, बहुत अच्छी डिफेंडिंग। मैराडोना विल बी सेंडिंग द बॉल इन टुवर्ड्स द बॉक्स, ज़ाबलेटा का शॉट एंड थोपड़े से बाहर, ये हुई ना बात, डिफेंडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए कुछ भी हो, ये पेट लगा के एक और कॉर्नर किक, दिस इज़ नॉट गुड, सेट पीसेस से कुछ भी हो सकता है कभी भी, बीचो बीच पेस्टोरो के सर में वुडमैन का ग्रेट कैच। अंसाल्दी यहाँ कोने से भगाता हुआ भाई, बिल्कुल बॉक्स के अंदर घुस गया, ले भाई पेस्टोरो ने ठोक दिया दूसरी तरफ, बहुत ज़्यादा स्पेस दिया, डिफेंडर्स हमारे सबके सब बीच में आ गए थे, इसी का फ़ायदा उठाया, इतनी प्यारी रन उसकी, ऐसा क्रॉस किसी ने छुआ तक नहीं, पेस्टोरो कोने से निकल के आया, कोने में ठोक गया, 1-1 इसी के साथ। शे मेसी अकेले थका देगा लोगों को, टांग तोड़ू टैकल नहीं, हाँ मेसी को गिरा जरूर दिया, उसको जितने जल्दी बॉल से दूर अलग कर दो उतना अच्छा है। मैराडोना यहाँ पे फ्री किक लेगा भाई, मेसी को अलग कर दो बॉल से, और कुछ नहीं चाहिए, हेनरी के सर पे लगी बॉल लेकिन डिफेंडर के पाँव पे, बच गए। 42 मिनट्स हो चुके हैं इस गेम में, हेडर जीता, सीधा ब्रूस्टर के पाँव पे बॉल, हेनरी को पास कर दी उन लोगों ने, काफ़ी डिपेंडेंट अपने कैप्टन पे, लॉन्ग थ्रू बॉल, छोटे छोटे पासेज, ब्रूस्टर बैक इनटू द मिक्स, एंड इस बार रूली के हाथ में, फिर दोबारा उसी टॉप कॉर्नर के लिए एम किया था लेकिन इस बार नाकामयाबी। ले भाई हेडर जीता हम लोगों ने, हार्पर उल्टा क्यों खेल रहा है भाई, विशाखा बैक टू हार्पर, एक और छोटे छोटे पास, विलियम्स, हेनरी को स्पॉट किया इसने, हेनरी का टर्न, बॉक्स के बाहर रोक लिया गया उसको, नो फाउल, लंबा स्लाइडिंग टैकल पेस्टोरो के सीधा टांग पे। जॉर्जियो को तो यहाँ पक्का कार्ड दिखाया जाएगा, येलो कार्ड से समझौता। 45 मिनट्स हो चुके हैं, आखिरी चंद सेकंड्स इस फर्स्ट हाफ के, एंड सिटी बच चुकी है भाई, शुक्र मनाओ सिर्फ येलो ही मिला उस दौरान, तालिया भाई तालिया, क्राउड देखो। सेकेंड हाफ चालू हो चुका है, हार्पर ने बीच से बॉल छीन मारी, एक ही को काटना है उसको, ये मारा बकवास, कुछ ज़्यादा ही पावर लगा दी अपने शॉट के पीछे, हार्पर विल नॉट बी हैप्पी, क्या गंद मचाया, पीछे कार पड़ी है उसका शीशा फूट जाता है बेकार का, कब तक कंट्रोल कर लोगे भाई, हाथ से उठा के ले तो नहीं जाएगा तू,
गॉड हैंड तेरा यहाँ नहीं चलेगा। ओहो टैकल कमाल का, बहुत ही अच्छा ब्रेक यहाँ पे काउंटर अटैक पे, बहुत ही अच्छे वैन कमॉन। अरे पास करते करते व्हाट अ टैकल, हार्पर ने वहीं से छीन मारी। घुमाना पड़ेगा, लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। नीको पासिंग इट बैक टू ओटामेंडी एंड अब गैगो के पास। मैराडोना स्पॉट कर लिया उसने अपने विंगर को। नीको यहाँ से स्प्रिंट मारता हुआ, धकेला उस पर, थोड़ी सी यहाँ पे झगड़ा सा चल चुका है एंड इसी झगड़े का फायदा उठा लिया डायबाला ने। यहाँ आराम से उसने हेडर मारा, मेरे डिफेंडर के ऊपर से कूद के, शायद मेरा डिफेंडर उससे लंबा भी था, तब भी भाई तब भी अर्जेंटीना के फैंस बिल्कुल पागल उठ। ले देखो नंबर 13 से भी ऊपर उछलता हुआ, उसके शोल्डर पे कूद गया वो कीपर, कुछ नहीं कर पाया। नियर पोस्ट में बैंग हेडर, बड़ा अच्छा था। थोड़ा सा अटैकिंग में जाना पड़ेगा हम लोगों को, ऑफेंसिव खेलो, प्रेशर बनाओ उनके ऊपर, लेकिन बॉल लूज बहुत ही आसानी से कर रहे हैं। गागो का पास आगे की तरफ, नीको जीत नहीं पाया उसको। हार्पर थ्रू बॉल, बहुत ही अच्छा थ्रू बॉल, बिस्सा का निकल चुका है यहाँ पे, क्रॉस किया उसने बहुत ही गंदा। तेरी ही गलती है भाई, तेरी ही गलती है। 78 मिनट्स हो चुके हैं, हम लोग एक गोल से पीछे, कम से कम ड्रॉ तो निकालना ही पड़ेगा हमें अपने पहले गेम में। दी मरिया विद अ बिग बॉल, क्या क्रॉस थी भाई, सही में ये तो गोल बनता था इनका। दो लोग थे बीच में, हमारे डिफेंडर से भी आ गए। दी मरिया अंदर आ चुका है भाई, प्लेयर्स की कमी थी इनके पास, और भी बड़े बड़े प्लेयर पिच के अंदर ला रहे हैं। दी मरिया का क्रॉस इतना प्यारा, बूम लुक एट दैट। डायबाला का सेकंड गोल, मेसी ने चांस मिस किया आगे से। 3-1, अब तो पक्का हार चुके हैं हम लोग पहला मैच यहाँ पे। मैराडोना को गिराना ज़रूर है, ये लोग बस होल्ड करके बैठ गया बॉल को, बहुत ही चालाक स्ट्रेटजी। दी मरिया सबको घुमा रहा है यहाँ पे, हम लोग ज़्यादा ही फोर्स कर रहे हैं उसके ऊपर। बहुत सही टैकल, लेकिन बॉल उन्हीं के पास, सब लोग सुस्त पड़ गए यहाँ पे। भगा 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 भगा, अरे ब्रॉन्ज है तो भागेगा नहीं क्या ये, ले वाह दे दूंगा भाग। पहला मैच खत्म, 3-1 लॉस हमारे लिए, रोड टू ग्लोरी से सीधा रोड टू लॉसेस यहाँ पे, 3-1 फुल टाइम स्कोर। तो आफ्टर द फर्स्ट मैच सिंस वी लॉस्ट, हम लोग सिर्फ एक ही बंदे को अपग्रेड करेंगे, 63 रेटेड म्यूरिक यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी का, 63 डाइविंग, 61 हैंडलिंग एंड 60 किकिंग, 65 रिफ्लेक्स, ठीक ठाक सा कीपर है, लेकिन हमारा ब्रॉन्ज से रेयर ब्रॉन्ज तक जाएगा। ये गयो बंदो अंदर, 63 रेटिंग है, 100% केमिस्ट्री अभी भी हमारे टीम की, सिर्फ 5 और गेम्स खेल सकता है हेनरी, होपफुली बंद ना हो जाए कोई गेम मेरा बीच में। अगली जो स्क्वाड होगी जिससे हम पंगा लेंगे वो है 84 रेटेड, 92 केमिस्ट्री, हैरी केन, एसेंसियो, भाई ये टीम तो और भी ज़्यादा खतरनाक लग रही है। पता नहीं भाई अपने अंदर कुछ बचा है या नहीं, हम लोग जीत पाएंगे एक भी मैच, काफ़ी समस्या है यहाँ पे अपनी ब्रॉन्ज टीम के साथ। कमऑन कर दिखाना है तू, बिल्कुल नया गोलकीपर है हमारा म्यूरिक, जो भी हो तेरा नाम, तोड़ देनी इनकी नली, क्योंकि हम हैं यहाँ के महाबली। चलते बनो चलते बनो, बहुत अच्छे भाई विलियम्स, टू हापर, वैलरी घुमा दे इसको तो, हापर, अरे क्या गंदी पास डाली मार्टिनेज के पास, बॉल अलाबा टैकल, छोड़ेगा नहीं लेकिन डेलफ्यू बहुत ही तेज़ी से काटते हुए ले गया, हैरी केन का शॉट भाई, इसने तो छूते ही गोली की तरह जाती है बॉल इसके पाँव से, ये देखो इतना फोर्स भी नहीं लगाया उसने। पहला कॉर्नर किक हमारे अपोजिशन के लिए, ये आया क्रॉस अंदर की तरफ एंड सीधा उनके प्लेयर के पास, व्हाट अ सेव बाय म्यूरिच, ये हुई ना बात, रिफ्लेक्सेस कमाल था यार ये वाला तो, सामने सामने से मारी, बैंग इट उछाल के बाहर, मान गए उस्ताद ऐसे ही क्लीन शीट, एक बंदे को ढेर किया वहीं रिंग के अंदर तो नहीं लेकिन गोल हो गया यहाँ पे। क्या हुआ ये, असेंसियो ने बाहर से ठोक डाला, थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ डी में, ये देखिए क्या कर रहे डिफेंडर्स, पहला टच
से सेटअप किया उसने अपने आप को, दूसरा शॉट वॉली पे, बूम, नेट के पीछे बॉल, गड़बड़ी पे गड़बड़ी, यहाँ पे हैरी केन भगाने की कोशिश में था और फिर छीनने के बावजूद हमारे पास बॉल नहीं आ रही, पैर के बीच में से निकली, बेलरीन सबसे तेज़ यहाँ पे, बिल्कुल लो क्रॉस, सारे के सारे लो क्रॉस ही कर रहे हैं अब, ऑनरी क्या भगा पाएगा वो इन डिफेंडर से दूर, यही है हमारी स्पीड का पिटारा, सीधा ब्रूस्टर के पास, ब्रूस्टर ने पीछे की तरफ टर्न मारा, ऑनरी व्हाट पास, मिडफील्ड में पीछे जाते हुए थोड़ा सा केस उल्टा पड़ गया यहाँ पे, ऑनरी बहुत बुरे वाले टैकल चल रहे हैं यहाँ पे, डेस्परेशन में सबको मैंने उखाड़ दिया है यहाँ पे, बहुत ही अच्छे जगह पे फ्री किक मिली है, कैप्टन कुछ तो कर, पीछे कर दिया लाइन, यहाँ पे लगा दी गई है एसेंसियो ऑन द बॉल, क्या वो गोल स्कोर कर पाएगा, बॉल को थोड़ा सा खिसकाया गया यहाँ पे 33 यार्ड से दूर, बैंग ऊपर, कमज़ोरी दिखते हुए टीम के अंदर, लसिग ने ब्रूस्टर ऐसे पप्पियों की तरह छीन के ले जा रहे हैं ये लोग, क्या पास ही, कुटिनियो वन ऑन वन विद द कीपर, टू लेट एंड टू नेल, इसी के साथ भारतीय खिलाड़ी यहाँ पे, भारतीय जर्सी वाले खिलाड़ी सबके सब पीछे होते जा रहे हैं, 2-0 से आगे हो चुकी है ये टीम, कुटिनियो एंड केन सेलिब्रेट करते हुए, रगड़ते हुए नमक हमारे जख्म पे, ले भाई आराम से वन ऑन वन था, बूम, कोई चांस ही नहीं था हम बचा भी पाते, अरे बाबा अच्छा टर्न मारा यहाँ पे, किसको दे रहा है यार, हापर ब्रूस्टर, अरे ब्रूस्टर के पास वापस, यही मौका एंड चौका, कहाँ दे रहा है यार, कहाँ दे रहा है, कम से कम टारगेट में तो रखो बॉल को, उफ उफ, सेकेंड हाफ में आ चुके हैं हम लोग, हैरी केन के पास बॉल, ये मारा टैकल, केन की टंग तोड़ डालो यहीं पे, फ्री किक पे फ्री किक दिए जा रहे हैं, गिफ्ट है क्या, बनाओ बॉल अब फटाफट, कौन ले रहा है इस बार, आलाबा चढ़ गया बॉल के ऊपर, फिर दोबारा ये सेट पीस वाली टेक्निक यूज़ करने वाले हैं, आलाबा आया पीछे से, दूर बहुत दूर, सर पकड़ ले, ऑफ साइड हो क्या रहा है ये, मैंने तो शॉट भी नहीं मारा है इस गेम में यार, खेल क्या रहे हैं ये लोग, सब घूम रहे हैं यहाँ पे मस्ती में, हट वैलरी, हापर भागो कुत्तो भागो, हापर विलियम्स बैक टू हापर, स्पेस नहीं बना रहे, डिफेंडर के साथ जाके खुद ही चिपक जाते हैं ये लोग, वैलरी थ्रू बॉल, विलियम्स कहाँ खड़ा है भाई, शादी में आया है वहाँ, क्या लड्डू बट रहा है, आगे जा रहा है, हापर विलियम्स, जॉर्जू बैक टू विलियम्स, अरे क्या टर्न मारा है, क्या टर्न मारा है यहाँ पे, स्पेस एंड शॉट, हापर मिसिंग द टारगेट यार कंप्लीटली, अच्छा मौका था ये बिल्कुल बॉटम कॉर्नर में डालने का, इसी के साथ डेनिस सुआरेज़ ने स्कोर कर दिया यहाँ पे धमाकेदार शॉट के साथ, डिफेंडर्स पीछे ही खड़े रह गए, सर पकड़ के बैठ जाओ तुम लोग प्यार से, लो भाई सबने रास्ता खोला, बैंग इनटू द कॉर्नर, ओहो क्या थ्रू बॉल डाली है भाई, घुस तो गया मैं अंदर लेकिन करूँगा क्या, गोल तो होना नहीं है, अबे यार 10 प्लेयर है तेरे, उसी को दे रहा है तू बार बार, उसी को दे रहा है, एंड इस बार 3-0 के साथ हमारी लॉस, क्या शुरुआत हुई है सीज़न की, सीज़न तो खेल ही नहीं रहे, स्क्वाड बैटल की क्या शुरुआत हुई मज़े इनके, एंड सेकेंड मैच के बाद 3-0 लॉस, इसका मतलब आप लोग चुनेंगे अगले प्लेयर को, आपको वोट करना है, दो प्लेयर्स का ऑप्शन होगा आपके सामने,
तो आपके दो ऑप्शन होंगे, उनमें से पहला है 64 रेटेड स्ट्राइकर गौरी फ्रॉम लियोन, फ्रेंच प्लेयर है, फ्रेंच लीग में खेलता है, लीग वन में 78 पेस, 61 शूटिंग, 69 ड्रिबलिंग। जो दूसरा प्लेयर है वो होगा संडरलैंड का 63 रेटेड असोरो, 88 पेस, 61 शूटिंग, 69 ड्रिबलिंग। लेकिन ये बंदा है EFL चैम्पियनशिप से, सन्डरलैंड से खेलता है, स्वीडन का बंदा है। तो ये दो आपके ऑप्शन है, आपको वोट करना है, फटाफट आई बटन पे क्लिक करो। तो दोस्तों आई होप आपको पहले एपिसोड में मज़ा आया, दोनों ही लॉसेस क्या स्टार्ट हुए। अगर आपको और चाहिए एपिसोड्स तो धमाकेदार लाइक करना ना भूलिए। अगर धमाकेदार लाइक आते हैं मतलब 1000 इसके अराउंड आते हैं तो मैं क्या पता दो एपिसोड्स भी करूँ एक ही हफ्ते में। तो फटाफट लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, वोट करना ना भूलिए अपने फेवरेट प्लेयर के लिए, किसको लाना चाहिए हमें टीम के अंदर। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम विथ मोर इंडियाज रोड टू ग्लोरी, तब तक के लिए बाय बाय।